ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना प्रभारी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मानिक राव ठाकरे ने यवतमाल जिले के दिग्रस तहसील के आदिवासी बहुल कोहरा गांव को न सिर्फ भेटी बल्कि यहां एक रात बिताने से पहले उन्होंने आदिवासी समुदाय से संवाद साधकर उनकी बुनियादी समस्याओं पर चर्चा भी की। इस दौरान एनबीसीएन से उनसे बातचीत की है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। वैश्विक आदिवासी जागरूकता पर्व के मौके पर कोलूरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित आदिवासी समाज बंधुओं को उन्होंने संबोधित करते हुए देश में हाल ही में घटित मणिपुर हिंसाचार, बीजेपी के बीते 9 वर्षों के शासनकाल में आदिवासी समाज सहित अन्य जातियों के साथ जारी अन्याय पर भी कड़ा प्रहार किया। इस दौरान एनबीसीएन न्यूज चैनल के संवाददाता ने भी उनसे विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की है। पेश है इस बातचीत के कुछ अंश। विदर्भ में एक बड़े नेता का नाम सामने आता है, मानिक राव जी ठाकरे, जो फिलहाल ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना प्रभारी है और ये पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। आज भी हमारे साथ में है, दिग्रस शहर के तहसील में आने वाले कोलोरा गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी रहती है। आइए बात करते हैं किस उद्देश्य के साथ वो यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, आज आदिवासी जागतिक दिन है और इस जागतिक दिन के अवसर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आदिवासी गौरव पर्व करके पूरे देश में मनाने का निश्चय किया है। इस आदिवासी गौरव पर्व के अवसर पर जो हमारे आदिवासी नेतृत्व जिन्होंने किया जल जंगल और पानी के लिए, वो बिरसा मुंडा जी जिन्होंने आदिवासी को न्याय दिलाने के लगातार कोशिश की, पूरा जीवन उन्होंने अपना उसमें डाला, तो उनको आज गौरव अन्वित करने के लिए उनका एक सब आदिवासी बांधव के उस गांव में उनका सम्मान, उनका उस तरीके से उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए सभी हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आदिवासी बांधव की आज एक गांव में यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ जो हमारा जागतिक गौरव पर्व जो है पूरे हमने तेलंगाना भी बड़े अच्छी तरीके से मना रहे हैं। आज बड़ी तादाद पे यवतमाल में भी आदिवासियों के भी अलग अलग संगठन एक साथ होकर आदिवासियों के ऊपर जो मणिपुर में अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ है, महिलाओं की हत्या की गई है, उसके उपलक्ष्य सभी महिला सभी आदिवासी बांधव एक साथ होकर हजारों की तादाद पे आज यवतमाल में बड़ी हमने रैली निकाली और रात में हम यह आदिवासी का जो गांव है उसमें वहाँ सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पे रहकर उनकी जो समस्याएं होंगी उनके साथ आज खाने का भी हमारा उसी तरीके से कार्यक्रम बनाया है, तो उनके साथ रहकर उनके पास बैठकर हम उनको समझने की कोशिश और जो भी स्थिति आज पूरे देश की है, जिस तरीके से देश में हादसा हुआ है, जिस तरीके से मणिपुर की सिचुएशन बनी है, उसके पीछे कौन है, किस तरीके से राजनीति है, किस तरीके के लोग हैं, वो भी लोगों तक ले जाने के लिए हमारी कोशिश है कि लगातार हम लोगों को कह रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीति आज चल रही है, लोग उसमें हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है, तो हम आदिवासी भाइयों के साथ रहकर उनकी समस्याएं सुनकर उन पर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमें जो बताया हमारे अध्यक्ष खारगे साहब, हमारे नेतृत्व जो पूरा देश के कांग्रेस का कर रहे हैं राहुल जी गांधी, इनके विचारों के आधार पर उन्हीं के आदेश के ऊपर हम गांव-गांव में जाकर इस तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं। देश भर में समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लेकर इंडिया की स्थापना की गई है, आप किस नजरिए से देखते हैं और ये पहल कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, इसमें एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से एनडीए मतलब बीजेपी के साथ जाने वाले कुछ पार्टीज हैं, वो पार्टी अन्याय अत्याचार और गरीबों का शोषण, आदिवासी मागास वर्गीय का शोषण, अल्पसंख्यकों का शोषण, ये करने की पहल लगातार वो करती है। उस तरीके से राजनीति देश में करना चाहती है, यहाँ से अलग अलग लोगों को बांटना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की यही ये है सोच है कि इन विचारों को इस देश से किसी भी हालत में सत्ता में अगर ज़्यादा दिन ये लोग रहे तो इस देश की जो भाईचारा है वो पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं, इस देश को पूरी तरह बर्बाद करके इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश वो करेंगे,
तो लेकिन हमको ये होने नहीं देना है। पूरा देश एक साथ रहना चाहिए, एक संघ रहना चाहिए। सभी देश में के जो हमारे भाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, सिख है, सभी ईसाई है, सभी लोगों ने एक साथ मिलजुल कर इस हिंदुस्तान को बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। अगर भाईचारा हमें है तो ये बनेगा, लेकिन जिस विचार बीजेपी आगे लाना चाहती है उससे ना भाईचारा बना रहेगा ना इस देश को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश कामयाब हो सकती। श्री मानिकराव जी ठाकरे जिन्होंने बताया कि इंडिया की जो स्थापना की गई है समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लेकर, उसका महज एक ही उद्देश्य है कि पूरे राष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी की तानाशाही बढ़ रही है और कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसको मजबूत विरोध करने के लिए दोबारा पूरी शक्ति के साथ में इंडिया की स्थापना की गई है। साथ ही साथ आज जो वैश्विक रूप से जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जो गौरव पर्व मनाया जा रहा है, उसको लेकर भी मानिक राव जो है यहाँ पर पहुंचे हैं कोलूरा गाँव में, और इनका मानना है कि कांग्रेस की इसी पहल से आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज जो ये एक तरह से फिर से कांग्रेस से जुड़ेगा और नई पारी फिर से कांग्रेस की शुरू होगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की ये पहल क्या रंग लाती है। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।